आज पीएम मोदी ने हर जांच एजेंसी को साफ निर्देश दे दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार की जांच में सियासत उछालने वालों से डरना मत। देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक सबको एक साथ आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। कहानी नंबर एक, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इन्हें गुरुवार सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाती है। आ जाइए सबको यहाँ पे। हेमंत सोरेन ईडी के सामने जाने की बजाय कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ताकत दिखाते हैं। ईडी के सामने पेश होने की जगह मुख्यमंत्री झारखंड के कहते हैं, हिम्मत है तो ईडी आकर गिरफ्तार कर ले। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। तो हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, संबंध क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो, सीधा अरेस्ट करके दिखाओ। कहानी नंबर दो, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं। अगस्त महीने में सीबीआई छापेमारी करती है। सीबीआई आरोप लगाती है कि तेजस्वी यादव ने धमकी दी। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? कहानी नंबर तीन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मामला नेशनल हेराल्ड केस का, ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। दोनों वक्त सरकार के इशारे पर ईडी के काम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सभी बड़े नेता ईडी दफ्तर तक प्रदर्शन करते हैं। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी नंबर चार, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच होती है। ममता बनर्जी भी जांच एजेंसीज पर सवाल उठाती हैं। हेमंत सोरेन के ताजा मामले से लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत ऐसे हर विपक्षी दल को देश में करप्शन के आरोप में जांच शुरू होते ही ईडी, सीबीआई समेत हर जांच एजेंसी सरकार के इशारे पर काम करते हुए लगती है, ऐसा ये विपक्षी दल आरोप लगाते हैं। इसीलिए अब जांच एजेंसियों के मनोबल को कमजोर करने वाली सियासत के खिलाफ प्रधानमंत्री दस्तक देते हैं। आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा, ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचाने मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। देश में भ्रष्टाचार पकड़ने वाली सीबीआई, ईडी, सीवीसी, इनकम टैक्स जैसी तमाम एजेंसी है जो विरोधी दल के किसी भी नेता पर करप्शन केस में जांच शुरू करती हैं, तो कोरस में तमाम विपक्षी दल ये कहने लगते हैं कि देखो देखो नरेंद्र मोदी ये करा रहे हैं। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है वहां ये अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। जांच एजेंसियों को विपक्ष के ऐसे ही बयानों से घबराकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी दस्तक कमजोर नहीं करनी चाहिए, ये भरोसा प्रधानमंत्री ने देश में करप्शन पर प्रहार करने वाली
हर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिया है। चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन के वक्त भले विरोधी दल चाहे जो बोले, रुकना नहीं है, एक्शन लेते रहना है। सवाल है, क्या एनडीए राज में विपक्षी दलों पर ही जांच एजेंसी के सियासी शिकंजे के आरोपों में कोई सच्चाई है? जवाब अब आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। देश में सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। सबसे पहले इसी एजेंसी पर लगने वाले सियासी आरोपों का सच खंगालते हैं। देखते हैं क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सीबीआई को सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप में दम है। इसके लिए हमने यूपीए राज और एनडीए राज में सीबीआई की जांच के दायरे में आए नेताओं का रिपोर्ट कार्ड निकाला है। पहली बात ध्यान से देखिए, यूपीए के 2004 से 2014 के शासन के बीच 72 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में आए, जिसमें 43 यानी 60% नेता 15 विपक्षी दलों के रहे। इसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी के 12 नेता रहे जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की, छापेमारी की या फिर गिरफ्तारी की। एनडीए के 8 साल के राज में 124 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में आए। इनमें 118 नेता 16 विपक्षी दलों के हैं यानी 95%। इसमें टीएमसी के 30 नेता हैं, कांग्रेस के 26 नेता हैं। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य चाहे यूपीए का हो या एनडीए का, विपक्षी दलों के नेता जांच के दायरे में आते रहे। हालांकि फर्क यह जरूर रहा है कि यूपीए के राज में सीबीआई की जांच के दायरे में आए नेताओं में 60% विपक्षी थे, वहीं अब 95% विपक्ष के नेता हैं। अब दूसरी बड़ी बात, यूपीए के राज में 2004 से 2014 के बीच सीबीआई की जांच के दायरे में आए 72 नेताओं में से 29 नेता या तो कांग्रेस के थे या कांग्रेस के सहयोगी, जबकि एनडीए के राज में 124 नेताओं के खिलाफ जब सीबीआई जांच चलती है तब उसमें केवल 6 नेता बीजेपी के हैं। हालांकि इस तथ्य को ऐसे भी देखना चाहिए कि यूपीए के राज में ही 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला जैसे कई स्कैम सामने आए। तो क्या यही वजह है कि एनडीए राज के मुकाबले यूपीए राज में सत्ता पक्ष और उनके सहयोगियों की संख्या ज्यादा रही जो जांच के कटघरे में आए? अब तीसरी अहम बात, सीबीआई की जांच को लेकर टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। जैसे अभी बिहार में अगस्त में नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद आरजेडी के सरकार बनाने पर विश्वास मत हासिल करने के दिन आरजेडी नेताओं के घर पर छापेमारी होती है। तेजस्वी यादव ने, याद करिए, इसी छापे की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। लेकिन रिसर्च बताती है कि टाइमिंग तो यूपीए राज में भी सवालों के घेरे में आती रही। 2013 में यूपीए से डीएमके के अलग होने के 2 दिन के भीतर सीबीआई ने डीएमके के बड़े नेता और अभी तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के घर पर लग्जरी कार से जुड़े मामले में छापा मारा था। यहां सरकार से अलग होने के 2 दिन के भीतर छापा डीएमके के बड़े नेता स्टालिन के घर पर पड़ा था। यानी यह बात सच है कि अभी की सरकार के राज में छापे भी ज्यादा हैं यूपीए के मुकाबले। विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी, छापेमारी, पूछताछ का आंकड़ा भी ज्यादा है। लेकिन सवाल है कि जिस बात का फैसला न्यायालय से कानून के रास्ते होना चाहिए, क्या उसका फैसला खुद राजनीतिक दल अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा गड़गड़ कर करेंगे तो उसे सही मान लिया जाए? क्या इससे देश में जांच एजेंसी, उनके अफसरों का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस, मनोबल, इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होगी? जो सवाल पूछा जा रहा है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए।
इसमें एक साड़ी अल्टी पलटी जा रही है। एक परत हटाते ही इसमें कई अमेरिकी डॉलर दिखते हैं। यहाँ तह करके रखी गई साड़ी की दूसरी परत खोलते हैं तो इसमें भी छिपा कर रखे गए US डॉलर मिलते हैं। साड़ी की तीसरी परत में भी करारे डॉलर छिपे हुए नजर आते हैं। इसके बाद जूते के भीतर से भी अमेरिकी डॉलर छिपा कर ले जाते हुए पकड़ा जाता है। मुंबई में इस तरह कस्टम के अधिकारियों ने 4 करोड़ रुपए की कीमत वाले अमेरिकी डॉलर को अवैध रूप से ले जाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाल है, अगर किसी भी जांच एजेंसी पर सिर्फ सियासत होगी तो क्या ऐसे करप्शन को रोका जा पाना आसान होगा? जवाब है नहीं। अब दूसरी कहानी याद करिए, इसकी 2 तस्वीरें। एक तरफ पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के ठिकाने से मिले करोड़ों रुपए जो जांच एजेंसी निकालती है। ये पैसा ही नहीं सिर्फ एजेंसी के ईमानदार अफसरों ने निकाला बल्कि शिक्षक भर्ती घोटाले को इंसाफ के रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन बंगाल में जिस सरकार को ये घोटाला रोककर शिक्षकों की भर्ती ईमानदारी से करनी थी उसने क्या किया? वहाँ राज्य की पुलिस ने नौकरी मांगते शिक्षकों को ही घसीट कर खींच कर प्रदर्शन करने से पिछले महीने रोक दिया। अब आप खुद दस्तक देकर बताइए कि अगर जांच एजेंसीज पर सियासत होती रहेगी तो क्या घोटाले का ये पैसा मिल पाता? आप कहेंगे नहीं। जनता का यही समर्थन भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हर अफसर को, हर जांच एजेंसी को समाज से भी मिलेगा, ये भरोसा प्रधानमंत्री देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, आप सभी साक्षी हैं, जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा। तो लेकिन फिर भ्रष्टाचार पर लगातार मुहिम छेड़ रहे नरेंद्र मोदी समाज के सामने एक सवाल खड़ा करते हैं। करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। देश में करप्शन के केस में कई नेता दोषी साबित हुए, उनमें से एक है लालू प्रसाद यादव, जिनके 2 साल से ज्यादा की सजा पाने की वजह से वो खुद चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित है। लेकिन भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करके सरकार चलाते हैं। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी, कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। यानी समाज खुद भ्रष्टाचारियों की सियासत को एक तरफ नकारे और भ्रष्टाचार की जांच पर कोई दूसरी तरफ सियासत भी ना हो। विपक्ष के नेता अब सबसे ज्यादा जिस जांच एजेंसी की छापेमारी, पूछताछ, गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं वो है ईडी। अगर इसकी जांच में आए नेताओं को भी यूपीए और एनडीए के राज में बांट कर देखें तो एनडीए के राज में पिछले 8 साल के दौरान ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में 121 नेता हैं, जिसमें
115 विपक्षी नेताओं का नाम शामिल है। इनमें कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, आरजेडी के 5, मायावती की पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के भी 5, आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। एनडीए के राज में बीजेपी और उनके साथी दल के 6 नेताओं के खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है। अब जब यूपीए राज में ईडी की जांच के दायरे में आए नेताओं का आंकड़ा देखें तो 2004 से 2014 के बीच ये 26 था, जिसमें 14 विपक्षी दलों के थे। इनमें टीएमसी के 7, बीजेपी के 3, बीएसपी के 2 नेता शामिल थे। यूपीए के राज में ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं के खिलाफ भी जांच की थी, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? जांच एजेंसी और उनके अफसर इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। अफसरों का मनोबल भी सियासत से न टूटे, इसलिए आज प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा देकर कहा कि डरो मत, आगे बढ़ो। अब आज की अगली दस्तक, क्या दिल्ली में हवा सांस लेने लायक अभी न होने से बच्चों के स्कूल भी बंद हो सकते हैं? क्या दिल्ली में फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है? यह सब हो सकता है क्योंकि दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उससे कहीं ज्यादा जनता की सांसों पर सियासत का पोल्यूशन हावी है। गुजरात चुनावों का ऐलान होते ही अरविंद केजरीवाल गुजराती बोलने लगे, कहने लगे कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें रामलला के दर्शन कराएंगे। केम छो तमे मने तमारो भाई मानो छो ने, आपना परिवार नो हिस्सो मानो छो ने, तमने अयोध्या श्री रामचंद्र ना दर्शन करवा लई जाइश। बस एक बार एक मौको आपो, जीवन भर तमारो भाई बनी ने रहीश। गुजरात के वोटर से गुजराती में वोट मांगते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब गुजरात के लोगों को जीतने पर अयोध्या दर्शन का मुस्कुरा कर वादा करते हैं, तब दिल्ली में उनको जिता चुके दिल्ली के लोग प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के बाद बेहद असुरक्षित हवा में सांस लेने को मजबूर है। हाल ये कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण AQI में 400 के पार जाने के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। बच्चों तक के दिल्ली में बाहर अब सांस लेने में संकट महसूस होने लगा। नतीजा ये कि एयर क्वालिटी कमीशन ने जरूरी सामान लाने वाले ट्रक छोड़कर अन्य डीजल ट्रकों की एंट्री पर तुरंत रोक लगाने को कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की सुरक्षा देखते हुए स्कूलों को बंद करने की मांग की। गुरुवार को दावा है कि दिल्ली की हवा को प्रदूषण से जहरीला बना देने में 34% तक जिम्मेदारी पराली जलाने की घटनाओं की रही। दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बिना छोड़ने के लिए जिस पराली को इस सीजन के कुछ दिन प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है, वो पराली हरियाणा और पंजाब में प्रमुख रूप से जलाई जाती है, जिसमें गुरुवार की जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 2,666 मामले आए। इसके मुकाबले हरियाणा में सिर्फ 128 जगह पराली जलाई गई। यानी जब पंजाब में सबसे ज्यादा किसान अभी पराली जला रहे और जब पराली जलाए जाने से ही दिल्ली की हवा के गंभीर रूप से खतरनाक हो जाने का दावा हो रहा है, तब जो सरकार दिल्ली की पहले पंजाब में अपनी सरकार न रहते सवाल उठाती थी, अब अपनी सरकार आने के बाद प्रदूषण पर क्या सियासी करियर के लिए स्टैंड बदला जाने लगा? दो बयानों को सुनिएगा। पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना, वहां क्या होता है, किसान अपनी फसल उगाते हैं, फिर अपनी फसल काटते हैं, तो जैसे इतनी बड़ी फसल होती है तो वो इतना सा काटते हैं और नीचे वाला रह जाता है, वो नीचे वाला डंडा रह जाता है, उस डंडे को पराली कहते हैं। अब वो किसान क्या करता है, अब उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में, एक दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं, इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है, उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। पोल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ, और मैं आपको, अगर मेरे फोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है, पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता,
ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और आम दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो जिस तरीके से हम आपको अलग अलग बयान दिखा रहे हैं, ये बयान अपनी तरफ हैं, लेकिन इस सब के बीच जनता का दम जिस तरीके से घुटता है वो बड़ा सवाल हो जाता है। पंजाब को लेकर पहले एक अलग बात कहना, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जब वहां थी तब उनसे एक अलग तरह की इल्तजा करना, और अब ये कहना कि सब कुछ ठीक ठाक है, पूरे उत्तर भारत में ही इस तरीके से प्रदूषण इस समय है, तो ये दिल्ली का दम कुछ और घूटता है। हाँ, इस बात में शंका नहीं कि प्रदूषण उत्तर भारत के कई शहरों में तेजी से बढ़ा। सवाल है कि अपने घर की आग को बुझाना जरूरी है या फिर दूसरे के घर की आग दिखानी, क्योंकि हकीकत यह कि पिछले साल तक पंजाब में किसानों के पराली जला जाने को दिल्ली की हवा के लिए खतरा बताकर कांग्रेस सरकार से पंजाब की अरविंद केजरीवाल सवाल पूछते थे। अब उस पंजाब में उन्हीं की सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिले संगरूर से लेकर दूसरे शहरों तक पंजाब में पराली जलाई जा रही है। अभी हम पंजाब में मौजूद है, ये पंजाब का संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जो नजारा है आप देख सकते हैं कि कैसे पराली जलाई जा रही है, और इस पे कोई रोक नहीं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। कुछ ही दिन पहले इसी संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चीफ एग्रीकल्चरल ऑफिसर थे उनको सस्पेंड किया गया, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कैसे आप जिस तरफ भी कैमरा घुमाएं, आप जिस तरफ भी नजारा देखें, चारों तरफ बस आग लगी हुई आपको दिखेंगी। कोई भी ऑफिसर्स ग्राउंड पे मौजूद नहीं है ये चेक करने के लिए कि कौन ये फार्मर्स है जो ये आग लगा रहे हैं। कल हम संगरूर में थे और आज हम कपूरथला में हैं, लेकिन जो नजारा है वो बिल्कुल नहीं बदला। जिस भी तरफ आप देखोगे आग लगी हुई है, पराली जल रही है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में रहते हुए अन्य सरकारों को पंजाब में बहुत अटैक किए जब पराली जलती थी प्रदूषण लेवल के वजह से, उसी सरकार जब अभी पंजाब में है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली फेल कर गए हैं पराली जलाने को कंट्रोल करने के लिए, और ये नजारा पंजाब में आज बहुत कॉमन है।